टॉपर्स वेरिफिकेशन का काम आज से शुरू हो गया है। टॉपर्स का ऑनलाइन इंटरव्यू लेगा बोर्ड। टॉपर्स के इंटरव्यू के लिए एक्सपर्ट कमेटी का गठन भी कर दिया गया है। सबसे पहले परीक्षा से लेकर रिजल्ट का बनेगा रिकॉर्ड। तो देखिए बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, टॉपर्स वेरिफिकेशन का काम आज से शुरू हो गया है। रजनीश हमारे सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए। रजनीश सानी की खबर आ रही है, क्या कुछ और जानकारी आपके पास? देखिए लगातार दो साल से बिहार बोर्ड जो है रिकॉर्ड टाइम कर रहा है, ऐसे में इस बार कोरोना काल में भी सबसे पहले परीक्षा लेने वाला बिहार बोर्ड ही है। तो रिजल्ट की तैयारी चल रही है, बता दें आपको कुछ हमारे पास खबर मिल रही है सूत्रों के हवाले से, यानी अगले 72 घंटे के भीतर जारी हो सकता है, जिसको लेकर कवायदें तेज कर दी गई है। जो टॉपर्स की कॉपियां है उसको बोर्ड ने मंगवा ली है, साथ ही एक एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया गया है जिनके द्वारा ऑनलाइन टॉपर्स वेरिफिकेशन काम शुरू होगा। और उसके बाद आज ही से माना जा रहा है कि जो टॉपर्स हैं उनका वेरिफिकेशन होगा, इंटरव्यू लिया जाएगा, जिसको लेकर अलग अलग विषय के जो एक्सपर्ट हैं उनसे साक्षात्कार। जैसे मैं स्क्रीन पर देख रहे हैं कि इंटर मूल्यांकन समाप्त, आज सभी केंद्र अधीक्षकों को सौंपनी होगी रिपोर्ट। आने की जो है इंटरमीडिएट की कॉपी की मूल्यांकन जो है सभी केंद्रों पर समाप्त कर दिया गया है। इंटर की कॉपी की जाँच जो है पूरा खत्म कर दिया गया है। इंटर वार्षिक परीक्षा 2022 के उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन समाप्त हो गया है। मूल्यांकन समाप्त होने के बाद सभी जरूरी डॉक्यूमेंट बोर्ड को उपलब्ध करा देना होगा। इसके लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटर वार्षिक परीक्षा 2022 की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन केंद्र अधीक्षक को 11 मार्च को केंद्र पर उपस्थित रहने का निर्देश जो है यहाँ पर दिया है। आने की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन केंद्र अधीक्षकों को 11 मार्च आने की आज के डेट में जो है केंद्र पर उपस्थिति होने का यहाँ पर निर्देश दिया है। बोर्ड ने कहा है कि समिति विशेष दूत भेजकर प्रैक्टिकल परीक्षा केंद्रों के साथ साथ सैद्धांतिक परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं का बैग नंबर, बार कोड नंबर, अन्य सभी जानकारी ईमेल से भेजी जाएगी। सभी मूल्यांकन केंद्रों से जरूरी सामान विशेष दूत को देनी होगी। ईमेल के माध्यम से भेजी गई उत्तर पुस्तिकाओं की सूची की एक प्रति समिति की विशेष दूत को देनी होगी। इसके लिए सभी केंद्र अधीक्षक 10 बजे से पहले केंद्र पर पहुंच जाएंगे। दूत को उत्तर पुस्तिकाओं की सील बंद पैकेट विशेष दूत को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा देना होगा। केंद्रों पर कॉपी की मूल्यांकन समाप्त कर दिया गया है। यहाँ पर आज जो है बोर्ड के पास भेजने का दिशा निर्देश दिया गया है। उसके बाद जो है टॉपर का लिस्ट तैयार किया जाएगा, टॉपर का वेरिफिकेशन किया जाएगा। उसके बाद जो है आप लोग का रिजल्ट जो है यहाँ पर हो सकता है यहाँ पर होली से पहले जो है आप लोग के बीच जो है रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा।